Hello guys, welcome again to FMEP Engineering. So today we are again starting the heat load calculation part 3. In the previous two videos we have learned about the heat load part 1, which is the oxide condition and the solar gain from glass. These two part we have studied, and in part 2 heat load calculation we study about the solar heat gain through glass roof. Okay, now today we are going to learn about this part, which is the summation of all this wall and glass. यहाँ पे जो है ऊपर के जो भी हमने areas से heat load हमने निकाला है उसका यहाँ पे sum होता है, and after the summation फाइनली हीट लोड जो है वो उसके यू वैल्यू से जो है हीट लोड निकलता है. ओके, नाउ ट्रांस गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है, ग्लास, ऑल ग्लास, ऑल ग्लास डबल पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन ऑफ वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर, इन सबसे हीट कैसे आती है उसके बारे में वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. ओके, सो ये यू वैल्यूज जो होती है, यू वैल्यूज इसमें दे रखा है बी टी पर आवर पर स्क्वायर फीट. यू वैल्यूज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल लाइक वी विच आर यू यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट. जैसे ग्लास है, ग्लास की यू वैल्यूज क्या होगी, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोज में प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि यू वैल्यूज वेरीज करता है एज पर मटेरियल और उसके मैन्युफैक्चर एंड क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है किस टाइप के मटेरियल वो यूज़ करना चाह रहा है अपने बिल्डिंग में. तो जिस टाइप का है वो ग्लास, सिंगल ग्लास यूज़ करना चाह रहा है, डबल ग्लास यूज़ करना चाह रहा है, है ना. तो इसमें क्या होता है, थिकनेस जो है वो डबल होती है, मतलब टू फ्रेम होते हैं, बीच में एयर गैप होता है, तो उसकी जो यू वैल्यूज होती है कम हो जाती है. तो उसकी यू वैल्यूज कम होगी तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो 146 एरिया है ग्लास का टोटल एरिया. अब मैं यहाँ पे 146 यहाँ पर ले लूँ तो क्या वैल्यूज आ रहा है, ये वैल्यूज आ रहा है 5537, उसी ये 146, ठीक है 5774, एंड उसी 146 पे क्या वैल्यूज आ रहा है 2801. डिफरेंस क्या होगा यू वैल्यूज का, तो यू वैल्यूज जितना ज़्यादा होगा है ना उतनी ज़्यादा हीट लोड आएगी, मतलब मटेरियल आपका जितना कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा यू वैल्यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 इंची की दीवार है तो उससे ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा तो उसकी वैल्यूज मान लीजिए कि 2 होगी, एंड अगर कोई 20 इंच की वॉल है तो उसकी यू वैल्यूज 0.5 होगी, तो उसकी हीट गेन जो है वो लेस होगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, तो इसी तरीके से ऑल ग्लास मतलब ऊपर के जितने भी ग्लास हैं आप इनको ऐड करें कितना आ रहा है टोटल एरिया, सॉरी एरिया एरिया कितना है 90 सम आ रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली इसमें जो है इधर से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में एक्सेक्ट हीट लोड कैसे कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो चीज़ हम देखेंगे. बट नाउ वी आर ओवरव्यू देख रहे हैं हीट लोड कैलकुलेशन कैसे होता है. तो ये जो 147 है ये टोटल ग्लास है. तो आप अगर बात करें ये जो है ग्लास का पार्ट है, इधर हमने एरिया निकाला मतलब चौड़ाई इतना, हाइट इतना, चौड़ाई इतना, हाइट इतना, चौड़ाई 0, हाइट इतना, तो इनको आप ऐड करके देखें 1010, ये कितना एक्चुअली ये विड्थ है, ये हाइट है, एरिया कितना, एरिया 13.5 मीटर स्क्वायर में, हमें किस में चाहिए स्क्वायर फीट में, तो इसका कितना स्क्वायर फीट आ रहा है 145.5. तो वो यही वैल्यूज ये 146 1.5 का जो नॉर्मल राउंड फिगर. तो अभी हमने ये तीन वैल्यूज में हमने काम किया था, इसको हम हाइड करके ही चले तो बेहतर है, कन्फ्यूजन हो जाएगी. सो व्हाट इज दिस ऑल एरिया, ये एरिया है 90. अब यहाँ पे है 90 एंड 90. नाउ विच टाइप ऑफ ग्लास यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट, सिंगल ग्लास यूज करना है, डबल ग्लास यूज करना है, ये आर्किटेक्ट या क्लाइंट बताएगा. इफ यू हैव नो यू वैल्यूज एंड आर्किटेक्ट आर पेंडिंग कि हम इसको बाद में बताएंगे, तो आप जो है सिंगल ग्लास को भी करके चलें.
वो बेसिकली जो 1.3 वैल्यू हमने लिया है ये एज अ नॉर्मल, मतलब क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं किया है फॉर एग्जांपल, तो हम हमारा जो वैल्यू 1.3 है, इसका प्रूफ के लिए हम इशरे हैंडबुक पे जा सकते हैं। ओके, सो इशरे हैंडबुक क्या कहता है, ओवरऑल फैक्टर फॉर हीट गेन। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसके वीडियो नंबर 2 में, पार्ट 2 में हमने देखा था, एंड यू वैल्यू इसके नीचे आएगा, टेबल नंबर 1T9 पेज नंबर 1.13 इशरे हैंडबुक। ओके, सो देयर इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यू विंडोज स्काईलाइट डोर्स एंड ग्लास ब्लॉक वॉल B2 पर आवर स्क्वायर फीट एरिया का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये ग्लास का है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो विद स्टोन विदाउट स्टोन, तो ये सिंगल ग्लास हमने जो कंसिडर किया है 1.3 कंसिडर किया है। ओके, दिस इज द वैल्यू सिंगल ग्लास, यू वैल्यूज ऑफ सिंगल ग्लास 1.13, इट्स 1.13। ओके क्लियर, नाउ 0.55 या 0.54 हाफ इंच डबल ग्लास में जो है, अगर हमारा डबल ग्लास हो, जैसे फॉर एग्जांपल डबल ग्लास ये है, तो उसमें 0.55 ये वैल्यूज है। ठीक है, एंड पार्टीशन ऑफ ग्लास सेम वैल्यूज में लिए 0.55 यू वैल्यूज, दिस इज द यू वैल्यूज, एंड पार्टीशन ऑफ वॉल 0.2 वीटीयूज पर आवर, ये कहाँ से मिलेगा, तो इसको भी इशरे हैंडबुक से आप ढूंढ सकते हैं, या आपको उसका यू वैल्यूज निकालना होगा। जैसे कि हम प्रीवियस बात किए थे यू वैल्यूज का, हम एक्चुअली एक वीडियोज बनाएंगे जिसमें हाउ टू कैलकुलेट यू वैल्यूज से होगा वो, कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू वैल्यूज आप जो है, फॉर एग्जांपल ग्लास का अलग से, वॉल का अलग से, तो वॉल के लिए जो होता है उसमें कितने इंच की वॉल है, उसकी थिकनेस, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑन बोथ साइड, व्हाट इज़ द मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल नंबर 1T20 पेज नंबर 1.21 इशरे हैंडबुक। ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंट आर बिल्डिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, BTUs पर। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की थिकनेस क्या है, एंड विच टाइप्स ऑफ द वॉल, हेयर ब्रिक कॉमन, ब्रिक फेस, क्ले टाइटल, वुडन टाइप का है, प्लाईवुड है, जिप्सम प्लास्टर बोर्ड है, जिप्सम पार्टीशन है। तो इसको कलेक्शन करने के बाद इसकी थिकनेस कंसिडर करते हैं कि एज पर ड्रॉइंग, ये बेसिकली आर्किटेक्ट इसलिए प्रोवाइड करा देता है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन देने से बेटर है कि वो हमें जो है यू वैल्यूज दे दें। ठीक है, अगर नहीं देता है तो हमें वॉल की थिकनेस कंसिडर करना होगा। ठीक है, फिर उसका रेसिस्टेंस निकालना होगा उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग, इन सबको ऐड करके उसका रेसिप्रोकल कर देना होगा। फॉर एग्जांपल 0.15 हमारा रेसिस्टेंस आया, अब इसको क्या करेंगे, वन भागा 0.1 करेंगे तो ये यू वैल्यूज निकल जाएगी। ठीक है, ये सारे यू वैल्यूज निकल रहे हैं, थर्मल रेसिस्टेंस, आर बिल्डिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, लाइक जिप्सम प्लास्टर, लाइट वेट, एग्रीगेट, इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल है, इनसे यहाँ से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो पार्टीशन का यू वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऐसे हम सीलिंग का यू वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऐसे हम फ्लोर का भी यू वैल्यूज निकाल सकते हैं, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, अब इसमें वैल्यूज कैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 19 लिया, क्या ये ऑल ग्लास जो है 8×20 19, ठीक है, तो ये 90 आ गया। अब ये तो सिंगल रहेगा या तो डबल रहेगा, अगर आपका डबल ग्लास है तो सिंगल 0, अगर आपका सिंगल ग्लास है तो डबल 0, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन मतलब नॉन एसी, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक रूम है, मिसाल के तौर पे दिस इज़ द वन रूम एंड दिस इज़ द अनदर रूम, ऑब्जेक्ट दिस इज़ द अनदर रूम, बट दिस इज़ नॉट एयर कंडीशन एंड दिस इज एयर कंडीशन, तो ये जो वॉल है इसको हम पार्टीशन वॉल में कंसिडर करते हैं, और इसका चौड़ाई इंटू मतलब हाइट इंटू लेंथ विड्थ का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम पार्टीशन में ले सकते हैं। अगर ग्लास होगा तो ग्लास लेंगे, अगर वॉल का पार्टीशन होगा तो वॉल लेंगे। फॉर एग्जांपल 20 मीटर का हमारा पार्टीशन है, बट पार्टीशन का हमारा अलग से इसमें वैल्यूज आते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे हाइट कर दिया, हम प्रॉपर चेक करेंगे तो बताएंगे। फ्लोर है, फ्लोर
So guys, understand about how to calculate the partition and like this ceiling and floor, you can take a help from Ishre handbook. तो अगर आप यहाँ से भी चाहे तो values ले सकते हैं, but वही है, u values find out करना पड़ेगा as per thickness and as per your material selection करेंगे and after that रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा यू वैल्यूज सबका निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल रूफ इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए है ओके. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूफ रूफिंग, तो यहाँ पे जो सीलिंग दे रखा है, वन इज द फ्लोर वन इज द सीलिंग बोथ, तो इसकी जो यू वैल्यूज है, सीलिंग हो जाता है एक तो होता है रूफ शेडेड है ओपन टू स्काई, दैट इज द अनदर पार्ट. And this is the floor and the ceiling. Ceiling क्या होता है, for example we are calculating heat load for third floor and third floor का heat load calculate कर रहे हैं. तो अब देखेंगे fourth floor पे same space में air conditioning है या नहीं है. अगर fourth floor के same space के पास air conditioning है तो ceiling रहेगा zero. अगर third floor पे इस heat load कर रहे हैं और fourth floor पर एयर कंडीशनिंग नहीं हो रहा है सेम प्लेस पे, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एरिया है थर्ड फ्लोर का, आप इसका हीट लोड कर रहे हैं और इसी का फोर्थ फ्लोर पे आप ऊपर जाएंगे सेम साइज में और वहाँ पे एसी हो रहा है तो ज़ीरो, अगर एसी नहीं हो रहा है तो ये जो एरिया बनेगा वो आपका सीलिंग में कंसिडर हो जाएगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एरिया क्या है 4118 स्क्वायर फीट, तो इसको इक्वल टू करके सेम स्पेस लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करके ये टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि आप टेम्परेचर डिफरेंस माइनस 5. इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जैसे ग्लास है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ग्लास है ये हमारा आउटसाइड एक्सपोज एरिया के लिए है तो आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 35, क्यों आउटसाइड का 110 था इनसाइड का 75 तो डिफरेंस इज 35 ओके, बिकॉज दिस इज द एक्सपोज एरिया. डबल ग्लास हो वो भी एक्सपोज होगा. पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन एक्सपोज नहीं होता है, पार्टीशन इनसाइड होता है घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर किसी स्पेस में अगर नॉन एयर कंडीशनिंग है तो उसको पार्टीशन बोलते हैं. तो उसमें 5 डिग्री ऑलरेडी एटमोसफियर से कम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप रूफ पे चले गए तो वहाँ पे 35 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है तो अगर रूम के अंदर आ जाएंगे कोई नॉन एयर कंडीशनिंग में तो वहाँ पे 35 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, गर्मी वहाँ पर कम होती है तो 5 माइनस करते हैं वहाँ से, तो 35 से जो 35 उससे 5 कम हो गया ओके. वैसे पार्टीशन है ये भी इनसाइड का है तो नॉन एयर कंडीशनिंग में 35 के बजाय 30 का होगा. वैसे सीलिंग है अगर ऊपर एसी हो रहा है नहीं हो रहा है तो 35 का, फ्लोर में भी वैसे 30 का होगा, एक्सपोज में 35 का होगा क्योंकि वो फुल्ली आउटसाइड एंड इनसाइड का डिफरेंस होता है. और ये क्योंकि ये टेम्परेचर जो है 75 ये एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर है ठीक है, एंड इसमें माइनस करते हैं नॉन एयर कंडीशनिंग में जो है थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस जो कि आपका कम हो जाता है ओके. मतलब 35 नहीं रहेगा ये 30 हो जाएगा. नाउ फ्लोर का भी वैसे ही है सेम, यहाँ से हम फ्लोर के लिए भी निकाल सकते हैं यू वैल्यूज का इसके अकॉर्डिंग, श्रेय के अकॉर्डिंग. नाउ अब बात आती है, अब यहाँ पे जो है एरिया, अगर फ्लोर में जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्पेस थर्ड फ्लोर है, अब इसके फोर्थ फ्लोर पे एसी नहीं हो रहा है तो हमने वो एरिया ले लिया. अगर इसके नीचे फ्लोर पे बात कर सेकेंड फ्लोर पे अगर एसी हो रहा है तो ये हो जाएगा वैल्यू ज़ीरो ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई करके हीट गेन निकल जाएगा. नाउ तो दिस इज कंप्लीट. इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रिक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट एंड बाय मेल ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ओके गाइस. नाउ इंटरनल हीट गेन, इंटरनल हीट गेन क्या होता है, जो कि इनसाइड द रूम, रूम के इनसाइड में जो हीट जनरेट हो रहा है उसको इंटरनल हीट गेन बोलते हैं ठीक है, जिसमें लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. नाउ इंटरनल हीट गेन में क्या है, पीपल से भी हीट गेन होता है, जैसे आप पार्ट वन वीडियोस अगर देखें तो उसमें इसके बारे में थोड़ा हमने समझाया है. लाइट लोड है तो लाइट जो बल्ब वगैरह जलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग से भी हीट जनरेट होता है. इफ़ यू आर नॉट बिलीव सो टच एनी बल्ब व्हेन इज
ऑन ब्राइटनेस, अगर वो बल्ब चल रहा है ऑन है तो आप उस बल्ब को छू करके देखें, देखिए हीट निकलता है कि नहीं। ओके, सो बेसिकली हाथ जब चलेगा तो पता चलेगा हीट निकलता है। नाउ सेकंड, थर्ड इज द इक्विपमेंट लोड। इनसाइड रूम इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक अगर ऑफिस की बात करें तो हमारा प्रिंटर है, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, सीपीयूज़ वगैरह हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जर्स वगैरह हैं, तो इन ये सब इक्विपमेंट है। ओके, तो एक नॉर्मल ऑफिस की बात है, ठीक है। अगर इससे ऊपर की मैं बात करूँ, किसी मतलब कमर्शियल की बात करूँ, कोई फैक्ट्रीज वगैरह, तो उसमें बहुत हैवी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। लाइक अगर मैकेनिकल की बात करूँ, अगर फैक्ट्रीज में आप जाए तो ड्रिल मशीन होता है, लेथ मशीन होता है ना, इसे वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनका अपना जो वो हीट वहाँ से जनरेट होता है। ओके, तो इसका भी आप मतलब ईश्वर के हैंडबुक से आप इजीली मतलब जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है अब आता है कि पीपल के अंदर से हीट लोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पीपल के अंदर सेंसिबल एंड लेटेंट हीट होता है, ठीक है। सेंसिबल हीट है 245, लेटेंट हीट है 205। ओके, इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ लेने के लिए चलते हैं हम इशरे के हैंडबुक में। इशरे के हैंडबुक में गए तो यहाँ से आप मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडीज का, जिससे मूवमेंट से हीट जनरेट होती है। ओके, नाउ इशरे हैंडबुक पेज नंबर 1.26 टेबल नंबर 1D24 हीट गेन फ्रॉम पीपल। ओके, यहाँ पे आप डिग्री ऑफ एक्टिविटी, पर्सन का क्या एक्टिविटी है एंड टिपिकल एप्लीएंस किस टाइप का बिल्डिंग वगैरह है, मेटाबॉलिक रेट हो गया बॉडी का, एवरेज एडजस्ट मेटाबॉलिक रेट बीटीयूस पर आवर में, एंड डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको सेंसिबिलिटी एंड लेटेंट हीट मिलेगा बीटीयूस पर आवर में मिलेगा। ये वैल्यू जो है आपको बीटीयूस पर आवर में मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑफिस की बात करें, डिग्री ऑफ एक्टिविटी क्या है, ऑफिस है हेवी या सेडेंटरी वर्क है, लाइट वर्क है, स्लीपिंग है, रेस्ट है, हेवी वर्क है, तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं लेके चलता हूँ ऑफिस का, ऑफिस में लेकर के चले तो ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट्स, कॉलेज में ये चीज़ जो है, इसके लिए ये वैल्यूज हम ले सकते हैं। इसका मेटाबॉलिक रेट है 475, ठीक है, एवरेज 450। नाउ इनसेट टेम्परेचर हमारा क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे वेरीज करता है। हमारा इनसेट टेम्परेचर है 75, एज यू नो 75 डिग्री फारेनहाइट। तो हम वी आर गोइंग टू 75, दिस इज द 75 फारेनहाइट इनसाइड टेम्परेचर। एंड नाउ कम ऑन द ऑफिस, दिस इज 245, व्हाट इज सेंसिबल हीट, ओके 205 इट्स लेटेंट हीट। ओके, अगर स्टैंडिंग वॉकिंग अगर है, जैसे लॉबी वगैरह हो गया, तो उसमें देखें 225, 245 ऐसे हो गया। अगर मॉडरेटिंग देखें, हैवी वर्क देखें, तो इसमें जाकर 225, 925 द वैल्यूज इज इंक्रीज्ड। 78 पे भी आप ये वैल्यूज ले सकते हैं, 82 पे ये वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये हमने कंसिडर किया है ऑफिस का 245 एंड 205। ओके, 245 एंड 205 क्लियर। नाउ ये सेंसिबल हीट हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 245 एंड नंबर ऑफ पीपल, आपके रूम में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। 33 लिया हमने, यहाँ से ऑक्युपेंसी 3 हमने रखा, तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, बिकॉज दिस वैल्यूज इज इन बीटीज पर आवर, ये ऑलरेडी बीटीज पर आवर में है, तो 3 × 245 इट्स 735 बीटीज पर आवर में ही हीट लोड आएगा बीटीज पर आवर में। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज है बीटीज पर आवर में। नाउ लाइट का, लाइट ये 226 यहाँ से है, तो लाइट हमने यहाँ से लिया, यहाँ से इसको लिंक बनाया। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से आपको लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो लाइट में हमने लिया 1.5 वाट पर स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 1.5 वाट लगेगा, मींस आप 418 एंड 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एरिया का लाइट वाट आ जाएगा, ठीक है। फिर डबल क्लिक किए 1.5 एंड विद मार्जिन 418, ठीक है, आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाट में है एंड दिस इज 1.25, दिस इज द ब्लास्ट, ठीक है। जो चौक होता है ना बल्ब वगैरह में, चौक जिससे हीट जनरेट होता है, वो वैल्यूज कंसीडर करनी होती है बल्ब में। ओके, एंड नाउ 4.3.14, ये
वाट में है, तो वाट को BTUs पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3.14 का कन्वर्जन लेते हैं। ये तो 245 भी ऑलरेडी BTUs पर आवर में था, बट लाइट इज द इन वाट, सो दिस इज द यूनिट इज वाट, सो कन्वर्जन ऑफ वाट टू BTUs पर आवर इट्स मल्टीप्लाई ऑफ 3.14, अंडरस्टैंड। लाइक इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 500, हमने इस एरिया के लिए 0.5 किलोवाट लिया है, इट्स मीन 500 वाट, एंड वाट टू मल्टीप्लाई 3.41, इट्स मल्टीप्लाई एंड कम इट्स हीट गेन दिस पार्ट। बट इसका प्रूफ कैसे होगा, कहाँ से आएगा ये लाइटिंग एंड इक्विपमेंट, तो दिस इज द डिपेंड अपॉन इस पर जो रेपलियंस क्या उसका है, तो यहाँ से हम इशरे से ही हम ले सकते हैं। नाउ टेबल नंबर 1T27, रिकमेंडेड रेट ऑफ रेसिडेंटल एंड कन्वेक्टिव हीट गेन फ्रॉम द वॉशिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉशिंग कंडीशन है। तो ये लॉन्ड्री का है, लॉन्ड्री से आपका लेटेंट हीट सेंसिबल हीट क्या होगा इससे आप वो ले सकते हैं, एंड इसका इक्विपमेंट लोड आगे आपको मिलेगा। लाइक टेबल नंबर 1T28, मेडिकल इक्विपमेंट का वाट क्या होगा, 280, हर चीज़ का अलग अलग है, ब्लड वार्मन का 360, एक्सरे सिस्टम का 968 वाट, बट इट्स 0.96 किलोवाट, रिकमेंडेड हीट गेन फ्रॉम द लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये सारी इक्विपमेंट का लोड दे रखा है आपको, ड्राइंग के अकॉर्डिंग सब कुछ फाइंड आउट करना है। अगर ऑफिस है तो कंप्यूटर का लेना पड़ेगा, लैपटॉप में कितना है, जो नेम प्लेट है उसमें 130 है, 2GB RAM, 1GB RAM, इट्स डिपेंड अपॉन द वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इंजन 130 आप लेते हैं तो फॉर वन ऑफिस में कितना लैपटॉप होगा, एज पर जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उतना आपका सिस्टम होगा, एंड उसके साथ साथ प्रिंटर्स वगैरह भी होते हैं, तो 130 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आपका जो है इक्विपमेंट लोड आ जाएगा। और उसके बाद से हीट गेन फ्रॉम प्रिंटर्स वगैरह हैं तो 430 का एक प्रिंटिंग स्पीड 30 पेज पर मिनट, ये सारा बायो डेटा है अवेलेबल, आपको इसके हिसाब से सारी डिज़ाइन करनी होगी। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे मिसलेनियस इक्विपमेंट, वेरियस ऑफिस लोड, ओके, बहुत सारे लोड दे रखे हैं, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नो, ये इक्विपमेंट का आपका प्रूफ हो गया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द लाइट पावर, लाइट के लिए कैसे निकालना, तो वाट पर स्क्वायर फीट, ठीक है, हमारा किस टाइप का हम जो एरिया है उस बेसिस पे हम इसका लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेबोरेटरीज, दिस द ऑफिस, ऑफिस में क्या है 1.12 एंड ऑक्यूपाल इज द 0.98, ठीक है, होटल एंड गेस्ट 1.1, दिस वैल्यूज ऑल इन वाट पर स्क्वायर फीट। ओके, वाट पर स्क्वायर फीट इज द LPW लाइटिंग पावर डेंसिटीज, ठीक है, वाट पर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने 1.5 कंसीडर किया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज मीटर में जो है फिट में 12.5 एंड फ्रेश एयर है। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा फ्रेश एयर कैलकुलेट कैसे होता है, ओके, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये फ्रेश एयर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एशरे 62.1 का हैंडबुक यूज होना है, ठीक है, तो उसमें जो दे रखा है एशरे में फ्रेश एयर CFM पर पर्सन, ऑफिस के लिए बेडरूम के लिए 5 CFM पर पर्सन, मतलब 1 पर्सन के लिए 5 CFM, तो हमारे पास कितना है पर्सन है, मल्टीप्लाई हमने किया 5 CFM पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन 3, ओके, इट्स 15, गॉट इट, ओके, 15 हमारे 3 ऑक्यूपेंसीज है ना, एंड CFM कितना है 5 CFM पर पर्सन है, इट्स 15। नाउ CFM पर स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 0.06 CFM, तो हमारा स्क्वायर फीट कितना है, हमारा स्क्वायर फीट है 418, ओके, नाउ इक्वल टू 418 मल्टीप्लाई 0.06, ओके, ऐड कर दिया मैंने सम 40.01, इट्स अराउंड फिगर 40, मतलब CFM निकल गया। ऐसी अगर आपका, मैं यहाँ पर ये लिंक बना हुआ एक्चुअली यहाँ पे, आप ऐसे आप देख सकते हैं, ब्लू G32 इंटू नंबर ऑफ पर्सन इंटू CFM पर पर्सन, देन नाउ
CFM पर स्क्वायर फीट इनटू एरिया. सो अगर आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल 10, ये 40 से एग्जैक्ट ये चेंज हो जाएगा 75. ओके, अगर आपका एरिया बढ़ जाता है 1000 हो जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 1110 हो गया, दिस इज चेंज्ड. ओके, नाउ 3 एंड सेम साइज निकल गया. अब इसका प्रूफ कहाँ से, ये कैसे आपको मिलेगा, हाउ यू कैन फाइंड आउट. तो इसके लिए आपको जाना होगा इशरे 62.1. इशरे 62.1 में मैं आपको, गाइस दिस इज द एशरे स्टैंडर्ड एंड एशरे स्टैंडर्ड 62.1 2007-2014 अवेलेबल है. सो इसका कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं आपको, वो 5 कैसे आया एंड 0.06 कैसे आया. ओके, तो सो दिस इज वेरी सिंपल, नॉट अ हार्ड वर्क, रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इजीली से आप निकाल सकते हैं. दिस इज द चार्ट. ओके, दिस इज द टेबल नंबर 6.1, मिनिमम वेंटिलेशन रेट इन ब्रीथिंग जोन. तो हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए आप, पीपल आउटडोर एयर रेट, ठीक है, सी एफ एम पर पर्सन, उसको कन्वर्जन है लीटर पर्सन में सी एफ एम पर स्क्वायर फीट जो हमने देखा था. ओके, एंड यहाँ से आप ऑक्यूपेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एरिया का, अगर पता नहीं है ऑक्यूपेंसी तो यहाँ पे पता कर सकते हैं, मतलब 100 मीटर स्क्वायर में कितने पीपल आएंगे. हमारा क्या था, ऑफिस या बेडरूम था, हम इसके लिए हिट रोड कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल होटल एंड रिसोर्ट में बेडरूम एंड लिविंग रूम, व्हाट इज द सी एफ एम पर पर्सन, 5. सी एफ एम पर पर्सन दिस कॉल द 5 एंड 0.06, व्हाट इज सी एफ एम पर स्क्वायर फीट इज द प्रूफ डन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग 5 एंड 0.06, दिस इज द सिंपल, नॉट अ गुड हैवी जॉब. एंड नाउ ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर में 5 पीपल्स रहेंगे, इट्स मीन 20 मीटर स्क्वायर में 1 पर्सन अलाउड है, मतलब साइजिंग है इसका. इसी तरह वेरियस टाइप्स ऑफ असेंबली, वर्कशॉप, लेबोरेटरीज, रिटेल एंड वेरियस एरिया ऑफ फ्रेश एयर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, एजुकेशन के लिए अलग से है. ओके, सो दिस इज द फ्रेश एयर कैलकुलेशन, ये भी हमने सीख लिया कैसे फाइंड आउट होता है. तो दिस इज ऑल्सो डन. ओके, सो आवर वीडियो इज गोइंग टू लार्ज साइज, सो वी आर स्टॉपिंग हियर. नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से तक कंप्लीट हो गया. अब इसको ओवरव्यू हैप में देख लें, कहाँ कहाँ से वैल्यूज आती है. हमने हैप किया कोई अपना प्रोजेक्ट या फिर किसी भी एक स्पेस को हमने ओपन किया, ठीक है, ये स्पेस सिस्टम है. हमने हैप के लिए हमारा एक अलग से वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी उसका ओवरव्यू हमने दिखाया हुआ है. ओके, नाउ दिस इज द स्पेस. स्पेस में अगर आप आएंगे तो नेम ऑफ एरिया, उसका फ्लोर एरिया, उसका हाइट. अब जो है आउटडोर एयर वेंटिलेशन, होटल का है ना, अभी हमने जो देखा था, व्हाट इज द वैल्यू इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस. ओके, ऑफिस, ऑफिस स्पेस, व्हाट इज द वैल्यू, 5 सी एफ एम पर पर्सन, 0.06 सी एफ एम पर स्क्वायर फीट. यहाँ पे ओनली हमें क्लिक करके वी हैव टू फाइंड द स्पेस. यहाँ पे स्पेस फाइंड करेंगे ऑटोमेटिक वो ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल स्पॉट क्लिक किया तो 7.5 1.18, ऑटोमेटिक इट विल बी चेंज्ड. ओके, अगर पब्लिक एरिया असेंबली की बात करें, दिस इज द चेंज. तो यहाँ से एशरे में बस आना चाहिए, बाकी ऑल चीज बहुत आसान है. अब इसमें आता है वही, इसमें तो ओवर हेड लाइटिंग, जो लाइटिंग हमने लिया था यहाँ पे वाट पर स्क्वायर फीट, हमने वहाँ पर लिया था 1.5 वाट पर स्क्वायर फीट. दिस इज द ब्लास्ट मल्टीप्लायर 1.25, जो हमने बताया था आपको कि ये ब्लास्ट मल्टीप्लायर है लाइट के साथ 1.25, ये हैप में भी है आपका 1.25 डालना होगा. ओके, दिस इज टास्क लाइटिंग. दिस इज द इक्विपमेंट लोड. इक्विपमेंट लोड आप वाट में है, अगर 500 डालेंगे, जैसे कि हमने 500 लिया था, 500 टाइप कर सकते हैं, या इसको भी चाहें तो वाट पर स्क्वायर फीट में आप ले सकते हैं. दिस इज द ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेंसी 3 था, हमने 3 कर दिया. दिस इज द सेंसिबल हीट लेटेंसी ऑफ एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटी था, ऑफिस का था हमारा 245 and 205, मेटाबॉलिक रेट से पीपल से हीट गेन कितना होता है. इज द सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, और यू वैल्यूज वगैरह जो भी हैं सारे हम उसको भी चाहे तो देख सकते हैं. सिर्फ फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में टोटल यू वैल्यूज 0.5 BTUs पर आवर पर स्क्वायर फीट, यहाँ पे हम ये सब मैनुअली यू हैव टू
फिल दिस फिल करना पड़ेगा लाइक द पार्टीशन. वॉल पार्टीशन में कितना है, वॉल पार्टीशन 0.43 एंड सीलिंग पार्टीशन इज द 0.4. नाउ वंस इज द रिमेंबर, यहाँ पे आपका जो ग्लास पार्टीशन में नहीं मिलेगा. ओके, वहाँ पे भी ग्लास है या पार्टीशन दोनों सेम थे, यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, वॉल पार्टीशन एंड सीलिंग पार्टीशन. ओके, दिस इज द नॉट ए गुड जॉब, इट्स मीन हैवी जॉब, इट्स द सिंपल. ठीक है, यू वैल्यूज यहाँ से सारे डालेंगे और यहाँ पे एरिया सब डालेंगे, आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ओके गाइज, होप यू आर वेल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो प्लीज कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, दिस इज द इनिशियल स्टेज एंड नीड टू वेरी 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 सब्सक्राइबर्स. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास, और हम एक इस पर प्रोजेक्ट करेंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें प्रैक्टिकली हीट लोड कैलकुलेशन करना, हम एक एरिया का हीट लोड कैलकुलेशन करके बताएंगे. ओके बाय, टेक केयर.